आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन। हम बात करेंगे सीट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है और सिलेक्शन को कैसे रिमूव किया जाता है। जैसे आपके साथ डेटा है, मैं चाहता हूं कोई भी पर्सन इसमें किसी तरह का चेंजिंग ना कर सके, तो सीट के ऊपर मैं जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, प्रोटेक्ट सीट पे जाऊंगा और यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ देखिए पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे, बट पासवर्ड कन्फर्म करने से पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इफ लॉस्ट एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। एक्सेल में दी गई पासवर्ड रिकवर्ड नहीं होती है, माइक्रोसॉफ्ट ऐसा बोलता है और सही बात है। बहुत सारे टूल्स है रिकवर करने के लिए, बट 100% श्योरिटी नहीं देता है। कन्फर्म कीजिए दैट ओके। अब इस पर मैं किसी चेंजिंग नहीं कर सकता हूँ, बट हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं। सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे तो डेटा कॉपी हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कोई डेटा को कॉपी भी ना कर सके, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉपी है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सेल, ये विंडो का पार्ट है। तो विंडो की चीज को हम कैसे उसको डिसेबल करें? तो यहाँ एक दूसरी चीज आती है सिलेक्शन। बगैर सिलेक्शन के हम पासवर्ड नहीं अप्लाई कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं सीट को अनप्रोटेक्ट करता हूँ पासवर्ड डाल के। लेकिन जब हम इसको वापस प्रोटेक्ट करते हैं तो एक चीज यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है अलाउ यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू। ये सारे परमिशंस हैं कि आफ्टर द प्रोटेक्शन आप यूजर को या जो भी सीट यूज करेगा उसको क्या अलाउ करते हैं, कि क्या क्या कर सकता है। तो डिफॉल्ट यहाँ पे जो है सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल होता है। तो मैं लॉक अनलॉक को हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हम जानते हैं कि सिलेक्शन की अलाउंस है। सिलेक्शन में यहाँ से हटा दिया और हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड को कंफर्म करते हैं एंड ओके। अब देखिए हम कहीं भी किसी भी तरह की नहीं कर पा रहे हैं। कॉपी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा तो कॉपी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को इसी तरह की वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नीचे लिंक दिया हुआ है।